कैसे करा टीवी का नुकसान, कैसे करा, कैसे करा टीवी का नुकसान? चिमटा गरम करके लाऊं? क्यों खराब कर रही है टीवी? मेरे को तो समझ नहीं आ रहा, अच्छा खासा टीवी क्यों खराब करना चाह रही है ये? 5 रुपए की हो, 10 रुपए की हो, 50 रुपए की हो, 500 रुपए की हो, समझ में आता है? 50,000 की टीवी का नुकसान कैसे करा मुझे ये बताओ, मेहनत की कमाई का है, समझ में आ गई? सॉरी, 50,000 का नुकसान करके सॉरी? ये सारे, ये सब इसने ना स्केच पेन से किया है, ठीक है? इसने ना बिल्कुल ही खराब कर दिया है, ये देखो कितने स्क्रैच मार रखे हैं, देखो ये देखो, गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। अभी हम लोग निकलेंगे अपने ऑफिस, ऑफिस जाने की है पूरी तैयारी अभी, एंड मीक अभी सोए हुए हैं तो इसलिए हम लोग ज़्यादा नहीं चिल्लाएंगे, क्योंकि वो उठ गए तो फिर मेरे को लेट हो जाएगा ऑफिस जाने में अभी, तो इसीलिए। निष्ठा की मॉम नहा धो के आ गई है, एंड निष्ठा की आज छुट्टी है, निष्ठा भी लगी हुई है। और आज ना मैंने कंट्री डिलाइट से ना एक कुछ मंगाया था, मैं आपको दिखाता हूँ। चलो चलो गाइस, मैंने देखो ये मंगाया था कंट्री डिलाइट से आज। वैसे तो देखो हम मिल्क मंगाते हैं, ये रहा कंट्री डिलाइट से बफेलो मिल्क, ये देखो ऐसा दिखता है बफेलो मिल्क इनका। कुछ पैकिंग बड़ी अच्छी लगी मेरे को ना, अट्रैक्टिव पैकिंग है बहुत ज़्यादा, ये देखो बाकी। और हमने साथ में मैंने मंगाया आज नारियल पानी, ये देखो, और इनका नारियल देखो कितना बड़ा है, जो नॉर्मल आते हैं ना उससे नॉर्मल आता है 60 ऑलमोस्ट डबल है, 60 का इसलिए छोटा होता है। ये कोई मेहरबान नहीं हो रहा, क्या बात कर रहे हो? मेहरबान नहीं हो रहे, फिर भी 85 का है ये। तो फिर 85 कम 100 रुपए, 100 रुपए का तो होएगा ही होएगा इतना। तो गाइस चलो अभी नारियल पानी पीते हैं। और साथ में ही मैंने ये मंगाया था कोकोनट ओपनर, तो ये ओपनर है, इससे खुलता है। इससे क्या होता है, कैसे होता है वो आप देखो। हो गया क्या, ये अंदर तक चला गया? हो गया होगा, देखो निकाल के, और ये निकल गया, इसमें आ गया सारा। अभी तक भी ना हुआ जंग का? नहीं हुआ शायद, नहीं तो हो जाएगा फिलहाल, इसको निकाल लो बाहर कूड़ा जो आ गया। क्या है ये, 6 दिन हो के दिया? नारियल तो इतना हार्ड था कि उसको हर जगह से छेद करके देख लिया, बट उसमें से पानी नहीं निकला, उसके अंदर एक्चुअली पानी था ही नहीं, है ना? तो नारियल हाँ, जो नारियल होता है ना वो अंदर से बनना शुरू हो गया और उसमें पानी बिल्कुल गायब हो चुका है। मतलब आज हमने फर्स्ट टाइम मंगाया कंट्री डिलाइट से, सोचा कि अच्छा होगा बड़ा होगा, बट पानी नहीं है उसके अंदर, बताओ बहुत गंदा एक्सपीरियंस। वैसे तो हर चीज़ मंगा के देखी हमने कंट्री डिलाइट से, काफ़ी चीज़ें मंगाई हैं, बट नारियल पानी आज मंगाया था फर्स्ट टाइम कंट्री डिलाइट से, तो जिसका एक्सपीरियंस बहुत ही बेकार आया, वो बिल्कुल सूखा हुआ मिला यहाँ पे हमें, तो इसीलिए हमने उसको अभी रख दिया एज इट इज़। अपनी स्टाइल मम उसको फेंक देगी, बाकी कोई नहीं यार, अब देखो कल मंगाऊंगा फिर दोबारा देखते हैं, है ना? बाकी नहीं तो यहीं से ले आऊँगा नीचे से ही, छोटा मिलेगा बट अच्छा तो मिलेगा, क्वालिटी टेस्टेड तो मिलेगा, तो वही है वही मंगाएंगे। बाकी अभी देखो मीक उठ चुके हैं हमारे भाई साहब, ये हमारी बहन जी आए, छोटी वाली बहन जी छोरी हैं, छोटी बहन जी छोरी हैं, है ना? चलो देखो अभी तक ठीक नहीं हुआ आपके यहाँ पे हम बाबू, कहा हुआ था? हाँ तो चलो गाइज, मैं अभी ना बस ऑफिस जाने की तैयारी करता हूँ, ऑफिस निकलूँगा थोड़ी बहुत देर में, एंड ठीक है चलिए अपन। तो मस्त जगह बना दिया आपने, थोड़ा सेटिंग सी कर रही हूँ ढंग से, ऐसे हम पुथल हुआ पड़ा है सब ना, और ऐसे हम माइक्रोफोन इसको भी ऐसे खोल सकते हैं, माइक्रोवेव को, है ना? खोल सकते हैं, पहले तो वैसे इतना अच्छे से खोल नहीं पाते थे। हाँ, इसलिए तो। अभी भी देखो इसमें कितनी, क्या गिरो? अच्छा टॉय गिरा है, तो देखो फ्रेंड्स आपको मैं भी दिख रही हूँ, मामा देखो मैं भी दिख रही हूँ इसमें। हाँ।
मम्मू जब डैडी मेरे लिए कभी कभार कोरियर नूडल्स लाए करेंगे ना, यहाँ पर ही रखूंगी मैं, है ना, यहाँ पर रख दिया करूंगी। और फ्रेंड्स ये देखो मेरे स्ट्रॉस, देखो स्ट्रॉस तो हमारे घर में रहते ही रहते हैं ना, क्योंकि मैं ना जो भी चीज पीती हूँ ना स्ट्रॉ से ही पीती हूँ। हाँ पानी में कभी कभार स्ट्रॉ से पीती हूँ बस कभी कभार, और मैं दूध भी स्ट्रॉ से पीती हूँ, और मैं कभी कभार चाय भी स्ट्रॉ से पीती हूँ, है ना, मैं तो चाय भी पीती हूँ फ्रेंड्स स्ट्रॉ से। इसको इधर घुसा कर रख दो ना इसे, इसको इधर घुसा कर रख दो, और इन तीनों को आगे रख दो। सभी ना जब मम्मा साफ कर रही थी ना, मैं तब का तुझे कहा था, लेकिन जब मम्मा रुको एक बार मैं इसको ना बॉल दे देती हूँ, मम्मा ने इसको नई वाली बॉल दी है खेलने के लिए, लेकिन जब मम्मा साफ कर रही थी मैंने तब दिखाया था, लेकिन अब मैं आपको पूरा रिजल्ट मैंने नहीं दिखाया था, इसलिए मैं आपको दिखाती हूँ पूरा रिजल्ट के पूरा कैसा दिख रहा है। देखो अपना रिजल्ट है ना मम्मा, कितना सुंदर है, साफ सुथरा हो गया ना। हम खाने में क्या खाएंगे, पकाने देखते हैं अभी, मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ अभी, तो थोड़े से आलू वालू डाल के चाट लेंगे। हरी सब्जी कल चिट्टे को मैं बच्चों के लिए नहीं है ना डाइजेस्ट होना, और थोड़ा बहुत से पेट नहीं भरता यार जरा हमारा कुछ खाने से ना, ये भी मंगवाऊंगी बच्चों को, थोड़ा ट्राई करवाऊंगी भिंडी भी। ये देखो मम्मा नाच रही है, ये बोल रही पहली बार भिंडी खाएंगे, भिंडी खानी है भिंडी डाइजेस्ट होती ना फ्रेंड। पता है मुझे तो ना भिंडी ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, किसको बुला रहे हो आप, किसको बुला रहे हो, हाँ क्या हो गया, हाँ क्या हो गया, ओ देखना ये तो ये तोड़ेंगे किसी दिन, देखो खींचे डाला है, देखो पूरा गाइस ये देखो बाहर पूरा बाहर है, वो जैसे तैसे अटका होगा बस वो, ये सब नहीं मैं आपको स्केच कर दूँ, ये देखो पूरा टूट ही गया, ये लो आप अपना स्केच पेन लो और खुश रहो ठीक है। इनका कल वाला वो कहाँ गया टी शर्ट टॉय जिससे कल खेल रहे थे, वो घुमा रहा था मैं जिसको, ये ऑरेंज कलर का कहाँ पे बाहर है, ले आओगे, पढ़ाई कर लो पहले फिर ले आना। गाय निष्ठा की चल रही है पढ़ाई, जो इतने दिन से स्कूल नहीं गई थी ना, वो काफ़ी ज़्यादा होमवर्क इकट्ठा होके हर सब्जेक्ट का बहुत ज़्यादा हो गया है, तो वो ही धीरे धीरे करती है थोड़ा। मीका क्या हो गया, इसको तोड़ने का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया गया आपने, इसको खराब करने का, आओ खोलो, खोल रहा हूँ रुक जाओ, आओ ले आई थी दिल्ली आई था बस। एक चीज और है गाइस, मैं एक ना बाथरूम का गेट बंद नहीं करने देता, पता नहीं क्यों, जैसे ही मैं बंद करता हूँ थोड़ी देर में जाके उसको दिखता है बंद है, फिर खोल के आ जाता है, तो अभी भी देखो बाथरूम का गेट खुला ही है, एसी चल रहा है बट कोई बात नहीं, अब भाई साहब बंद कर रहे हैं बार बार जाके, तो कोई बात नहीं, लो ये लो चला, वो अंदर गई वो मीका, इसे तो कुछ भी बोलना भूल जा रहा है, वो आ रहा है, ये आ रहा है, लाइट बंद हो जाएगी, आती नहीं है। हाँ हाँ समझती सब है वो, हाँ। लेकिन वो मानती नहीं है बातें। कैसे करा टीवी का नुकसान मुझे बताओ पहले कैसे करा, मैं थपेड़ दूंगी टीशा, 50,000 का टीवी का नुकसान करके बैठी हो, मुझे ये बता क्यों करा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, मैं चिमटा गरम करके लाऊं, मुझे ये बता क्यों करा, क्या क्यों गोदा उसका शीशा, क्यों गोदा स्क्रीन, क्यों गोदी मुझे बता, स्केच पेन की निब भी अंदर जा रखी है, बता क्यों गोदी, बता
क्यों टीवी पे चलाया इतना डार्क डार्क कि उसकी प्लास्टिक से उस वो उन्नी अंदर चली गई है। मैंने झाड़ू लगाते टाइम फेंका है, मैंने सोचा ऐसे ये करती रहती है, हैं वो उसकी फिर जो प्लास्टिक जो बचती है ना वो चलाई है इसने। क्यों खराब कर रही है टीवी, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा, अच्छा खासा टीवी क्यों खराब करना चाह रही है ये? मुझे बता क्यों करा है, 4 रुपए का टीवी है, हैं नसीब है, नसीब है इनकी बदौलत जो 50,000 के टीवी में देखने को मिल रहा है, समझ में आ गई, नसीब है ये। अरे तो समझ में नहीं आता 50,000 की चीज का 5 रुपए की हो, 10 रुपए की हो, 50 रुपए की हो, 500 रुपए की हो, समझ में आता है 50,000 की टीवी का नुकसान कैसे करा मुझे ये बताओ। क्या है इसके दिमाग में जो है कि चलो टीवी खराब करते हो, क्या है ऐसा दिमाग में? अभी पूछवा रही है, मैं अभी डॉक्टर के पास ले जाऊं उसे, हैं बता। अरे तुम तैयारी करो, मैं बुलाती हूँ, तुम इसे डॉक्टर के पास लेके जाओ, वो इसका इंजेक्शन देके पूछेगा इसने ये क्या, ये क्यों करा, जब ये असलियत में बताएगी। तुझे पता है ना सब होता है, इसी ऐसी सजा है ना, बार से ऐसा कुछ से डरे। अभी तक हाथ नहीं लगा रही हूँ ना, अगर कोई और होता ना अब तो कितने जड़ देता टीचा, मेहनत की कमाई का है, समझ में आ गई। ये बच्ची को ये छोटी जो इनकी तरह को ये जो खरा कुछ भी करें, अरे ये बच्चे भी नहीं करते नुकसान, तो इनको बोल दूं ना माँ ये नहीं करना वो नहीं करना, नहीं करते वो, सिर्फ पानी खेल ये सब करते हैं और कुछ नहीं करते वो ये सब। मुझे ये बताओ कैसे करा नुकसान, मैं ऐसी पूछती रहूंगी क्या पागलों की तरह? सॉरी 50,000 का नुकसान करके सॉरी? अरे ये फ्रेंड्स मैं बताती हूँ, ये टीवी है, सोचो ये टीवी है, ये वाला है क्या है ऐसे, ये इतनी छोटी बच्ची भी नहीं है, इसने ना स्केच पेन ना ऐसे 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 करा, कब करा है मैं बताती हूँ, मैं रहती हूँ घर में ही, मेरा ध्यान रहता, लेकिन जब मैं खाना बना रही थी ना तब इसने करा है, जब मैं बच्चों का खाना बना रही थी तब करा इसने, वरना मैं इसकी हर बात में नजर रखती हूँ, दिखाती हूँ ना क्या नुकसान करा इसने। ये देख रहे हो गाइस हैं, ये सारे स्क्रैच है, ये सारे ये सब इसने ना स्केच पेन से किया है, ठीक है, ये देखो ये सारा देखो ये, ठीक है, और ये तो इसने बहुत जोर से गोद रखा है अंदर तक ना, अंदर तक मतलब स्क्रीन में भी है ये अंदर, देख रहे थे अभी जब हम पहले देख रहे थे ऐसे टच करने में ही पैसे स्क्रीन ऐसे हो रही थी, कभी ऐसे नहीं होती। हम इसको अभी थोड़ी देर पहले ऐसे टच कर रहे थे ना तो पूरे स्क्रीन पे ना लाइट आ रही थी ऐसे ऐसे छेड़ने से ना, क्योंकि ये इसने ना बिल्कुल ही खराब कर दिया है। ये देखो कितने स्क्रैच मार रखे हैं, देखो ये देखो, ये देखो स्क्रैच, ये देखो आप स्क्रैच, ये देखो कितना डीपली इसने गोदा है ना, आप समझ सकते हो ना, देखो ये देखो कितनी फुर्सत। और ये मुझे कब दिखा, जब मैं बिस्तर बनाती हूँ ना तो मुझे लगता है कि थोड़ी धूल आ गई है इस पे, तो मैं ये जो कपड़ा है ना ये हल्का सा इस पे फेरने लगती हूँ, जब मैंने देखा ये क्या हो गया। और आप चालू में तो आपको दिखेगा ही नहीं, क्योंकि जब हम कब से टीवी चल रहा है बच्चों के लिए, ये बंद में ही दिखा है हमें, बंद था टीवी जब मैं ये सब कर रही थी, सोचो। समझ नहीं आता क्या इसके दिमाग में आती है जो ऐसी हरकतें करती है, इसको ये नहीं पता कि मैं ऐसे करूंगी तो खराब हो सकता है, खराब होएगा तो नुकसान होएगा तो नया लाना पड़ेगा, कहाँ से आएगा हर चीज, इसको कुछ पता नहीं है। नहीं इसको इसका खर्चा अगर दो साल में अगर ऐसे टीवी खराब होने लग गए तो कैसे चलेगी? आप ये मुझे बताओ ना यार, है मुझे बताओ ना यार, इतने बड़े स्कूल में पढ़ा के हैं मुझे, मैं नरक में चली गई हूँ यार, नरक में चले गए, हम अपना पेट काट काट के इसकी फीस भर रहे हैं, हमें पता हम कैसे पढ़ा रहे हैं कि अच्छी परवरिश मिल जाए, अच्छा स्कूल मिलेगा तो, लेकिन ये देखो गाइस खूब डांट खा के ये अब लेट चुकी है यहाँ पे, बहुत डांट पड़ी आज इसको, क्योंकि इसने काम ही ऐसा किया है, डांट खाने वाला, मार खाने वाला, कौन समझाए इसको अब। अब इसका हमने सब बंद कर दिया है, पता गाइस इसके पास ना इसका सब बंद कर दिया निष्ठा की मॉम ने, इसकी पेंसिल कम से कम इसके पास 50 से ज़्यादा पेंसिल थी, कितने ही तरीके के कलर्स थे, 50 तो ठीक है, 50 भी कम ही बोल रहे हैं, इरेजर पेन पता नहीं कूड़ा कबाड़ा इसने कितना इकट्ठा कर रखा था, और इन सब चीज़ों को ये हथियार बना के घर की चीज़ें खराब कर रही है। तो निष्ठा की मॉम ने सारी चीज़ें लेके एक बड़े से बैग में रखी, उसको रख दिया है वहाँ पे, उसके पीछे वहाँ गणेश जी की फोटो है ना उसके पीछे रख दिया है वहाँ पे, अब वहाँ से निकाल लो आप, ठीक है, वहाँ से आप निकाल लो, फिर अभी आप कर रहे हो, फिर
अपनी गलती नहीं मानोगे आप? नहीं है दुख उसको, कुछ नहीं है उसको, इतनी महंगी चीजें नुकसान कर दी है इसमें, है ही नहीं सबूत। तो अब इसका हर चीज़ पे हमने लगा दी है लगाम कंट्रोल, बस अब देखते हैं कैसे नहीं सुधरती है ये, बस बहुत हो गया, हम तो बहुत मतलब थक चुके हैं बिल्कुल, थक हार के हमें। अरे तो कदम ये तो अभी दिखाया मैं, हम तो और नुकसान तो दिखाते कहाँ हैं, बाकी तो छोटी मोटी चीज़ें दिन की 50 कर दी है, 50 कर दी है, कभी तेल गिरा देगी, कभी क्रीम खराब कर देगी, कभी क्रीम में तेल मिक्स कर देगी, कभी पाउडर में क्रीम मिक्स कर देगी, क्या क्या करेगी, क्यों नहीं लगाते हम क्रीम वगैरह, मैंने वो बनाना का पूरा फेंका है ओल्ड क्रीम का, क्योंकि उसमें पता नहीं क्या क्या कर रखा है इसमें, हम लगाएंगे हमें कुछ केमिकल लग गया, केमिकल कुछ भी मिला देती है, कुछ भी कर देती है, हम कुछ भी लगाते बाहर डरते हैं, बताओ सोचो। मैं क्या करता हूँ गाइस, मेरी आदत है, क्या करते हैं हम लोग के कुछ भी चीज़ होती है ना, क्रीम ले लो आप, पाउडर ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, हमेशा ना हम जो सबसे बड़ा पैक होता है वो मंगाता हूँ मैं, उससे क्या होता है कि एक तो वैल्यू फॉर मनी रहता है वो, ठीक है, वो मतलब छोटे छोटे कितने लाओगे, 10-10, 20-20 रुपए के लाओगे, 50 रुपए के लाओगे, इससे अच्छा मैं बड़ा पैक मंगाता हूँ कि चलो लंबे टाइम के लिए चलेगा, ठीक है, बार बार लाना नहीं पड़ेगा, तो मैं वो मंगाता हूँ। ये क्या करती है, उसको ख़राब करने के ऊपर ये पीछे पागल हो जाती है, उसको ख़राब करने लग जाती है चीज़ों को। अब हमारे पास कोल्ड क्रीम थी, लास्ट सर्दी ही लाया हूँ उसको मैं, पिछले सीज़न में ही है ना, वो लास्ट जब सर्दी खादी निकल गई थी तब मंगाई थी मैंने, वो था आधे किलो, एक किलो, पता नहीं कितना बड़ा डब्बा था वो कोल्ड क्रीम का, ठीक है, वो मंगाया, कितना यूज कर लेंगे हम, दो महीने में कितना यूज किया, मैं उसमें गोद रखा है, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत यूज किया, उसको पूरा खराब कर डाला इसने। अब नेक्स्ट सीजन में फिर नहीं लेके आओ, पता नहीं क्या मिला रखा था उसमें, क्या नहीं, मैंने फिर फेंक दिया। तो ये सब इसके हो गई हैं कई सारी चीज़ें, ये तो एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है जो हम आपको बता रहे हैं जो इसने आज किया है, भाई बहुत बड़े बड़े चीज़ें करती है, ख़राब करती है चीज़ों को, तो अब से इसका सब कुछ बंद, दीवारें ख़राब कर रही है, दीवारें सारी इसने ख़राब सब कुछ कर दिया, क्या क्या बताएं मेरे को समझ नहीं आ रहा, क्या क्या बताएं, कुछ नहीं है। अब सो जाओ यहाँ पे, ठीक है, चुपचाप अब सो जाओ आराम से।